नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दोपहर दमदार में। मैं हूं रीनू। नारायणपुर में पुलिस नक्सलियों में मुठभेड़, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ हुई। बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। और क्या कुछ ताजा अपडेट है वो जानकारी भी आपको देंगे। नारायणपुर का ये पूरा मामला है जहाँ पर पुलिस और एसटीएफ की टीम सर्चिंग के लिए निकली हुई थी और इसी दौरान नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हो रही है। रुक रुक कर दोनों ही तरफ से फायरिंग की घटना हो रही है। सर्च अभियान के दौरान मुठभेड़ की गई। बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। और संवाददाता खेम नारायण जुड़ गए। खेम नारायण, मुठभेड़ हो रही है, नक्सलियों के मारे जाने की भी जानकारी मिली है क्या? जी देखिए जी, नारायणपुर में अभी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है जहां पर दंतेवाड़ा, बीजापुर और नारायणपुर को जिला सीमावर्ती जिला जो क्षेत्र है वहां पर सर्चिंग अभियान में निकले डीआरजी और एसटीएफ के जवानों के साथ जो है नक्सलियों का मुठभेड़ जो है चल रहा है। और बताया, अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि फायरिंग अभी जो है रुक रुक कर जो है दोनों ओर से चल रही है। और अभी हताहत की जो पुष्टि है वो निकल कर सामने नहीं आई है। और ये बताया जा रहा है कि जो सर्चिंग अभियान, जो जवाबी फायरिंग जो जवानों ने किया है उसमें नक्सलियों के घायल होने की खबर जरूर है, लेकिन अभी इस बात की पुष्टि इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि जो है सर्चिंग अभियान जो पार्टी है उसके साथ मुठभेड़ जो है रुक रुक कर चल रहा है। और जब मुठभेड़ समाप्त होगा उसके बाद जब सर्चिंग अभियान में गए जो जवान है उस स्थल पर जो है सर्चिंग करेंगे तब पूरी जानकारी स्पष्ट हो पाएगी। जी बिल्कुल स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन अब जिस तरीके से ये पूरा सर्चिंग अभियान चलाया गया और इस दौरान नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है, लगातार जांच की जा रही है और हम ये देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में जब से नक्सलियों के खात्मे का प्रण सरकार ने ले रखा है, कई नक्सलियों ने मुख्यधारा से जुड़ने का काम भी किया खेम नारायण, लेकिन अब नक्सली और ज्यादा उग्र होते जा रहे हैं। जैसा कि इलेक्शन भी उस दौरान भी शांतिपूर्ण तरीके से इलेक्शन हो पाया था और नक्सली किसी भी तरीके की घटनाओं को अंजाम नहीं दे पाए थे क्योंकि जवानों ने मुस्तैदी बनाकर रखी थी इलाके में, और एक बार फिर से नक्सली अब बौखलाए हुए हैं। लगातार हम देखते हैं कि छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। जी बिल्कुल, नक्सलियों में इस बात को लेकर बौखलाहट है क्योंकि लगातार जो है जब से भाजपा की सरकार छत्तीसगढ़ में आई है उसके बाद से जो है लगातार जो है सर्चिंग अभियान में जो जुटे जवान हैं उनको लगातार जो है बड़ी बड़ी सफलताएं मिली हैं। उस बात का जो है नक्सलियों को बौखलाहट है और वो भी जवाबी कुछ बड़ा करने का जो प्रयास है वो जारी रखे हैं। और कुछ नक्सली जो है मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर जैसे नक्सल प्रभावित जो जिले हैं वहां से कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। और हाल ही में जो है डिप्टी सीएम जो विजय शर्मा है उन्होंने फिर से नक्सलियों से अनुरोध किया है कि पुनर्वास जो नीति है उसमें वो नक्सली क्या बदलाव चाहते हैं वैसा ही जो पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका खेम नारायण तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की तरफ से हर कोशिश की जा रही है